गुड मॉर्निंग धीरे धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज अभी सुबह के हो रहे हैं 6 o'clock और आई एम रेडी। महीनों के बाद बस से ट्रेवल करेंगे बिकॉज बाइक जाना ले जाना अलाउ नहीं है घर से इस वजह से। तो आज बस से जाने वाले हैं वाराणसी, वाराणसी से गाज़ीपुर एंड आफ्टर डैट आगे की कहानी करते रहेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या क्या ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। पहुंच चुका हूं गाज़ीपुर और यहां पे मैंने अपने मामा के घर में स्टे अभी किया हुआ हूं और कुछ चीज़ें हैं जो कवर पीछे आप देख रहे हैं। ये है गढ़ी जो यहां पे बोली जाती है, सामने हो रहा है सनसेट प्यारा सा बढ़िया सा और कुछ चीज़ें कवर करके आपको दिखा देते हैं जो कि आप बी रोल्स में देख लेना, इंजॉय कर लेना। और मिलते हैं आपसे कल, चूँकि यहाँ से फिर वाराणसी मुझे जाना है वापस और जा करके कुछ सामान लेना है, कुछ तो खास लेना है अरे बाबा, तो वो भी लेंगे कवर करेंगे एंड बताते हैं। बने रहिए, बस एंजॉय कीजिए। ये मेरे पीछे पूरा रेड़ी का पेड़ है, ठीक है। रेड़ी मुझे भी नहीं पता थी कि क्या चीज़ थी, थोड़ी यूनिक लगी और थोड़ा सा अच्छी चीज़ है इस वजह से मैं कवर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रेड़ी का पेड़ इसलिए, मतलब इससे तेल निकलता है ऐसा हमारे नाना जी ने बताया है। तो ये देखिए, ये पहले पकता है, कुछ आप भी रोज़ देख लो और फिर उसके बाद वो पकने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है और फूटने के बाद ऐसे बीए निकल जाते हैं। ये है हमारे बीए, ये बीए ऐसे निकल जाते हैं, आई होप फोकस आ रहा होगा। फिर इसको कोल्हू के मशीन में पेरा जाता है और फिर तेल निकलता है। तो थोड़ी जानकारियां आपको दे दी मैंने भी। अब इसके आगे अब तैयार होते हैं, प्लान में कुछ चेंजेस है, जाना था वाराणसी बट वाराणसी न जा करके गाज़ीपुर में ही कुछ मॉल में जाना है, घूमना है, कुछ शॉपिंग्स करनी है एंड आफ्टर डैट आगे की कहानी बताते रहेंगे। बने रहिए। अरे देखिए यही दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा ही पत्थर है। इसकी कलम ठीक है लेकिन पानी में डूब गया हाँ, नहीं तो बड़ा। यहाँ पे मिला मेंढक,
ये मेरे पीछे कड़ी का पत्ता है, कड़ी का पत्ता आप लोग को पता ही होगा, तेज पत्ते की जगह कड़ी का पत्ता डालता है और कड़ी का पत्ता फायदेमंद होता है। लेकिन मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा परेशान कर दिए कड़ी का पत्ता डाल डाल के। अगर देख रहे हैं तो सुन लीजिए, बहुत परेशान हो चुके हैं, अब मत कीजिएगा, अब मत डालिएगा ज़्यादा, हर खाने में डालना अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं, नींबू के एंड पपीते के एंड बनाना भी है, और क्या है, और क्या है भाई साहब, अनार है और भी बहुत चीज़ें हैं तो मिल जाती है। नाना जी ने अपने हाथों से लगाया है वो सब चीज़ें तो, और वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन धूप बहुत तेज है भाई साहब, सामने से एकदम चेहरे पे लग रहा है, छुप छुपा के चल रहे हैं। यूनिक है, बड़ा मस्त एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ गांव वाली फीलिंग भी आ रही है। वैसे पहले भी आ चुके हैं लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन नहीं लेते थे, आप लोग की वजह से हमने इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी बहुत ले ली ना, पहले ऐसे ही घूमते थे चले जाते थे, लेकिन इस बार इन्फॉर्मेशन ले लिया है हमने, बहुत सारा भर भर के लिया है। और बगल में हमारी गढ़ई, इसका क्या कहते हैं सहवाल, वो सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे, तो मस्त मज़ेदार है। चलिए अब बस थोड़ा बहुत देख लीजिए, बस ठीक है, अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में बाद, तैयार वैर होके चले जाए फिर, ठीक है। ये है यहाँ के टाइसन, जो बस दिन भर क्यों 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 करते रहते हैं और हैंड दिए हैं, ये हैंड शेक हैंड। अरे भाई साहब हमको नहीं जानते तो इसका क्या मतलब, शेक हैंड नहीं करो, हाँ कर दिए टाइसन, शेक हैंड फिर से। अब इतना बंधे हुए हो, अब क्या जान लोगे कितना हाइट बढ़ाओगे, चलो टॉय सोन। ये तो मुझे पसंद आया है, दो टी शर्ट, और मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ कि कौन सी मुझे पसंद आई है और फिर लेते हैं। इस वाले मॉल में तो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है, तो देखते हैं कुछ और भी खरीद लेते हैं, मतलब कभी कभी तो आता है चांस। कर लिया हमने, तो ये है मेरी शॉपिंग जो हमने की है, इतना बड़ा बड़ा, ये नीचे कुछ है और भी, तो ये हमने शॉपिंग की है यहाँ गाजीपुर से, और क्या क्या चीज़ें शॉपिंग की हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले गेस्ट हाउस के लिए कुछ सामान, लाइक लीड है, बॉल है, एंड दिखाओ आपको, एंड ये सब है। ओके, बाइक के लिए ये है माउंट, बाइक का वो है थोड़ा सा अलग, मोबाइल माउंट के लिए, हाँ गेस्ट हाउस के लिए कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था,
कैमरा अभी तक नहीं लगा था। और दादा के लिए छड़ी और अपने लिए जो लिया है वो है ट्राउजर, जीन्स एंड जो आपको मैंने मॉल में दिखाया था उसमें से ये एक टी शर्ट मैंने सेलेक्ट की एंड दूसरी जो है वो ये की। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इस वजह से। आती है 4:47 पे, 5:47 पे वो चलती है एंड आफ्टर दैट आते आते प्लेटफॉर्म नंबर फर्स्ट पे आना था, फर्स्ट पे नहीं आई, सेकंड पे आई। चलिए फिर घर जाके मिलते हैं और आपको डिटेल्स बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हर चीज़ें बताते हैं घर जाके। ओके सफर में मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे अंदर का हेजिटेशन नहीं गया है। मुझे लगता था कि हाँ मैं हर जगह जाकर के आराम से इजिली कैमरे के फ्रंट में जितनी भी पब्लिक हो बोल सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब मैं बड़े शहर में गया तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बात ऐसी है कि अब फिर से ट्राई करते रहेंगे। आपको ये हमें लगता है कि ये सफ़र सुहाना लगा होगा, ये ट्रिप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अब कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ तक देख लिया है तो करना तो बनता है ना, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। एंड वीडियो का एंडिंग करते हैं अभी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल वॉच मी इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योर लाइफ। चाचेरियो, अलविदा।